हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी वेब्रिज की इंक्वायरी, अपने धर्मकांटा की इंक्वायरी हमें दी. यू गेव अस योर वेब्रिज इंक्वायरी एंड गेव अस अ चांस टू सर्व यू. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड नो आंसर्स टू 13 क्वेरीज, 13 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिससे कि आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड नो आंसर्स टू देम. हाय, आई एम सौरभ टिकमानी, द डायरेक्टर ऑफ तुलसी वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. We at Tulsi have supplied over 6,000 customers with 6,000 plus wave bridges across 15 countries, and we have helped them save up to 95 lakh rupees a year in their profits. Some of our major customers are Tata, Birla and Bajaj. So getting down to the question of the day, we are going to talk about the 13 most common questions which every wave bridge buyer asks. ये आपके कई तरीके के से डाउट्स क्लियर कर देगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट वीडियो, बट दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई प्रॉमिस. एंड इफ यू स्टिक बाय टिल द एंड, आप देखोगे ये 13 क्वेश्चन सुन के आपको कई सारे डाउट्स जो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड प्रश्न थे वो सब क्लियर हो जाएंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्या प्लेटफॉर्म आपको सजेस्टेड है? आप कौन सा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म लगाओ जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए? तो अगर आप एक 12 चक्का या 10 चक्का का वेव ब्रिज के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आप एक 9 मीटर या 10 मीटर से छोटा प्लेटफॉर्म लगाओ. अगर आप एक ट्रेलर के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए एक 16 मीटर या 18 मीटर प्लेटफॉर्म लगाइए. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैपेसिटी शुड यू पुट? आप सोचते होंगे कि मेरे यहाँ पर मैक्सिमम वजन 30 टन आता है, 35 टन आता है, इंक्लूडिंग गाड़ी और इंक्लूडिंग मटीरियल का जो वजन है उस वजन की बात मैं कर रहा हूँ. अगर आपके यहाँ पर 30 टन 35 टन आता है तो आप उसके अंदर कम से कम 10 टन या 15 टन का बफर रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक जर्क लोड भी आता है. तो अगर आपके यहाँ पर 35 आता है तो 50 लीजिए, एंड 50 अगर आपके यहाँ आता है तो टेक अ 80, बिकॉज आपका 60 एंड 80, देयर इज नथिंग लाइक अ 70, बट इफ यू वांट अ 70 कैन बी मेड, देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्राइस डिफरेंस. सो इस तरीके से आप अपना कैपेसिटी डिसाइड कर लीजिए. हाउ मच लैंड यू रिक्वायर फॉर द वे ब्रिज, आपको कितना लैंड चाहिए वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है. अगर आपके यहाँ लैंड कम हो तो देयर इज अ पिट टाइप वे ब्रिज जो आपके लेवल पे लगता है, ग्राउंड लेवल पे, और उसके लिए आपको दोनों साइड में रैंप नहीं बनानी पड़ती. एक पिटलेस वे ब्रिज होता है जो ग्राउंड लेवल के थोड़ा ऊपर लगता है, तो दोनों साइड में आपको रैंप बनाना पड़ता है. सो आपका लैंड कितना लगेगा डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज द प्लैट, द काइंड ऑफ ट्रक्स यू वॉन्ट टू वे, किस तरीके की गाड़ियां आप वजन करना चाहते हो उसके अंदर में, एंड उसके साथ साथ आप इसके अंदर इस तरीके की गाड़ियां चाहते हो और आप पिटलेस या पिट टाइप डिपेंडिंग ऑन योर वाटर लॉगिंग, ये चीज के पर आपका ये डिपेंड करता है. अब उसके बाद, इज देयर एनी फाउंडेशन रिक्वायर्ड? यस, आपके वेव ब्रिज को लगाने में फाउंडेशन रिक्वायर्ड होगा. आपको अच्छी फाउंडेशन करनी चाहिए जिससे कि आपकी वेव ब्रिज जब तक लास्ट करेगी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपको सही वजन बताएगा, वरना एक वेट डिफरेंस की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी. आपको स्ट्रक्चर किस टाइप का दिया जाएगा? आपको यहाँ पर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, एंड उसमें अगर खराबी आती है तो एक बार में ही बहुत प्रॉब्लम आता है एंड बहुत कॉस्ट आता है. आपको दिया जाएगा स्टील स्ट्रक्चर, एंड जनरली दी स्ट्रक्चर्स विल बी आई बीम, एंड ये स्ट्रक्चर्स का मेक जो होगा इसके अंदर आपको रायपुर के हॉट रोल्ड बेस्ट मिल से माल आएगा, या तो आपके पास टाटा सेल जिंदल से आएगा एंड टाटा या जिंदल का प्लेट्स आएंगे. This will be a perfect quality and a heavier structure which we give. What are the materials we quote for? क्या क्या material included रहता है हम लोग के quotation में? There is wavebridge structure, load cells, indicators, junction box जिसके through आपके load cells आके indicator में जाते हैं, और एक बाहर में jumbo display जहां पर आप वजन देख सकते हो. ये सब included रहता है, plus installation which is at an extra cost. This is included in the price we quote to you. Is there any computer requirement? नहीं, हम लोग का जो इंडिकेटर है वो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल जैसा काम करता है, उसी के अंदर स्टोरेज भी है, उसी के अंदर आप डेटा भी निकाल सकते हो, तो आपको कंप्यूटर रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप अपने वजन सेफ्टी या कुछ और चाहते हो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहते हो तो आपको कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर कंप्यूटर. नाउ डू वी प्रोवाइड अ प्रिंटर टू यू, ये बहुत जन पूछते हैं. नहीं, हम लोग प्रिंटर इसलिए प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि आपको लोकल सपोर्ट मिलेगा, एंड वी टेल यू द प्रिंटर यू शुड बाय. आप वो प्रिंटर को आराम से लोकली सोर्स कर सकते हो. अप्रोक्सीमेट बजट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का बजट डिपेंड करता है आपके साइट के कंडीशंस पे, आपके साइट पे आपकी मिट्टी सॉइल कैसी है. अगर आपका मिट्टी सॉइल ज्यादा ठोस होगा तो आपको ज्यादा डीप एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाना होगा.
तो दैट रियली डिपेंड्स आपके साइट विजिट पे कि आपको किस तरीके का फाउंडेशन बताया जाएगा. बट हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड ड्राइंग है जो आपको दी जाएगी, उसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो वो गलत भी हो सकता है. आप अपने विजिट के हिसाब से कॉस्ट निकालिएगा. व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स यू नीड टू परचेज? ऐसे तो काफी 13 चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगी, उसके लिए आप मेरे दूसरे एक वीडियो देख सकते हो. उसको छोड़ के मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या परचेज करना होगा. आपको एक यूपीएस, या तो ऑनलाइन यूपीएस या ऑफलाइन, ऑफलाइन मत लीजिएगा, लोकल यूपीएस मत लीजिएगा, उससे जल सकता है, ऑनलाइन यूपीएस एंड एक प्रिंटर तो लेना ही होगा. वारंटी कितनी होती है? वारंटी हम लोग की स्टैंडर्ड होती है, विच इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच. एंड इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट वारंटी प्लान्स, बट उसके लिए कॉस्ट चेंज हो जाती है. तो वो समझ के आप हम लोग के लॉस प्रिवेंशन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जो आपको कॉल करेंगे. इसको छोड़ के स्टैंपिंग कैसे होगा? स्टैंपिंग करने के लिए इट इज वेरी सिंपल, वी विल सुपरवाइज एंड वी विल हेल्प यू थ्रू आउट द स्टैंपिंग. और हम लोग वो प्रूव कर देंगे कि आपका कांटा सही है और उसमें सही वजन बता रहा है. वी विल सुपरवाइज द होल थिंग. कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर एक इसका खर्चा होता है, विच इज देयर फीस एंड देयर आर सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो आपको बेयर करना होगा. What will be the payment terms of the company? Our payment terms are very very standard. It is 40% as advance and 60% at proforma invoice before dispatch. ये आपको पेमेंट करना होगा. So these were 13 questions which we are asked always. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाए तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस टू टॉक एंड डिसाइड एंड बाय द राइट वेब्रिज विच विल एक्चुअली सूट योर नीड्स. अगर आपको इस क्वेश्चंस को लेके अगर और कोई क्वेश्चंस आया है तो प्लीज उसको नोट कर लें एंड आस्क आवर लॉस प्रिवेंशन एक्सपर्ट हु इज गोइंग टू कॉल यू अगेन. So let us know how you like this video, and if you have any other queries or any other suggestions, please give it to us. And I'm pretty sure this video did a great job because that is what people told us. Thank you so much.